कल आपने प्रश्नोत्तर लिखा था और रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही कथन पर चुनकर सही चिन्ह लगाना भी आपने सीख लिया था। तो आज हम यहाँ पे देखें, यहाँ किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, यहाँ पे मैं उत्तर लिख देती हूँ, उस तरीके से आपको अपने क्लासवर्क में लिखना है। चलिए, यहाँ वाक्य किसने किससे कहा। पहला जो है, हमारा घर तो सबसे सुंदर है। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, उत्तर है चूचू और चिमी ने एक दूसरे से कहा। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इस प्रस्तुत वाक्य को या इस वाक्य को चूचू और चिमी ने एक दूसरे से कहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मेरे बच्चों तुम कहाँ चले गए थे। इस प्रस्तुत वाक्य को किसने कहा था, इस प्रस्तुत वाक्य को चीची ने अपने चूचू और चिमी से कहा। इस वाक्य को चीची ने अपने चूचू और चीनी से कहा। ठीक है, तीसरा है, तुम अभी बहुत छोटे हो, दूसरे पक्षी तुम्हें मारकर खाएंगे। इस प्रस्तुत वाक्य को चिमी ने अपने चूचू और चिमी से कहा। इस वाक्य को चीची ने चूचू और चीनी से कहा। ठीक है, चौथा, आहा यहाँ दुनिया कितनी सुंदर है। किसने किसे कहा, यहाँ पे इस प्रस्तुत वाक्य को, इस वाक्य को चूचू और चिमी ने एक दूसरे से कहा। चूचू चिमी ने एक दूसरे से कहा। ठीक है, पांचवा, इसकी माँ कहीं हमारा शिकार ना कर ले। इस प्रस्तुत वाक्य को चीमी ने चूचू से कहा। इस वाक्य को चीमी ने चूचू से कहा। ठीक है, यहाँ हो गया किसने किससे कहा का उत्तर। तो अभी आगे आपको क्या करना है, यहाँ मैं सिर्फ मैं उत्तर लिखा है मैंने, तो अभी प्रश्न सहित उत्तर आपको
लिखना है। अभी आगे देखेंगे भाषा। भाषा में दिए गए शब्दों की सहायता से विलोम शब्द लिखे। यूज द वर्ड्स एंड राइट द अपोजिट वर्ड्स। ओके, कठोर, नापसंद, अंदर, छाव, दूर, गंधा, दुख, अविश्वास, ताकतवर, दिन, अंदर, बुरा, पास, ऊपर, कठोर, ये जो है अपोजिट वर्ड्स है। इसके अपोजिट वर्ड्स जो है नीचे दिए गए हैं, उसको कंबाइन करके लिखना है। चलिए जानेंगे। फर्स्ट वन है सुंदर, उसका क्या है अपोजिट वर्ड्स? कुरूप। दूसरा जो है कमजोर, कमजोर यानी कि ताकत, कमजोर यानी कि जो लड़ने के लिए कैपेबल ना हो, हाँ कमजोर, उसका अपोजिट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ताकतवर। ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। नीचे मीन्स डाउन, ऊपर मीन्स अप। विश्वास का अपोजिट वर्ड है अविश्वास। उसके बाद दूर का अपोजिट वर्ड है पास। खुशी का अपोजिट वर्ड है दुख। भला का अपोजिट है बुरा। साफ का अपोजिट है गंदा। बाहर का अपोजिट है अंदर। निकट का अपोजिट है दूर। रात का अपोजिट है दिन। धूप का अपोजिट है छाव। पसंद का नापसंद। मुलायम का कठोर। यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उस तरीके से आपको अपने क्लास वर्क में लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। चलिए अभी जानेंगे अपोजिट वर्ड्स। पहला वाला जो है वो है सुंदर। कुरु। दूसरा जो है कमजोर, वीक। ताकतवर। तीसरा जो है नीचे। ऊपर। चौथा जो है विश्वास अविश्वास। पांचवा जो है यहाँ से दूर, समीप। और पास। सुखी, खुशी, दुख। सातवां जो है भला, बुरा। आठवां जो है साफ, गंदा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नौवां, बाहर, अंदर, निकट, दूर, रात, दिन। पसंद,
ना पसंद। ठीक है, मुलायम, कठोर, ये हो गए अपोजिट वर्ड्स। अभी जो बाकी का है वो आम अगले क्लास में सीखेंगे। देखिए निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द है वो अगले क्लास में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट अपने क्लास वर्क में लिख लीजिए।